ये वीडियो हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। बहुत सारे हमारे भाई लोग स्ट्रीमर ऐसे हैं जो अपने स्मार्टफोन का या किसी भी मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके स्ट्रीम करते हैं, उस पर ही गेमिंग करते हैं, और वो अक्सर इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है, कौन सा ऐप बेहतर है स्ट्रीम करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे दो जो सबसे मेजर ऐप्स हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस ऐप्स हैं, स्ट्रीम लैब्स और ऑमलेट आर्केड। एक एक टेस्ट स्ट्रीम करेंगे दोनों का यूज़ करके, और देखते हैं कि किस में ऐसा है कि गेम प्ले थोड़ा सा लैगी हो जाता है, फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या स्ट्रीम जो है वो क्वालिटी में बेहतर आती है या खराब आती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। और ये वीडियो जस्ट बिकॉज एक कंपैरिजन वीडियो है, तो हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं कि आपके मोबाइल डिवाइसेस में इंस्टॉल होगा ऑमलेट आर्केड और स्ट्रीम लैब्स, जो कि हम लोगों ने अपने फ़ोन में पहले से इंस्टॉल कर लिए हैं और उनको कन्फिगर कर लिया है सारी स्ट्रीम की वगैरह लगा के, लॉग इन करके हम लोग सीधे स्ट्रीम करते हैं फटाफट से। एक एक TDM खेलते हैं दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और ये देखते हैं कि आउटपुट कैसा है। सैम्पल स्ट्रीम शुरू करने से पहले ज़रूरी पॉइंट ये कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो पूरी स्ट्रीम के दौरान फ्लाइट मोड पर रहेगा और डू नॉट डिस्टर्ब हम लोग ऑन रखेंगे उस पर। बैकग्राउंड में कोई भी ऐप हम लोग खुला नहीं रखेंगे, और इसके अलावा हमारा फ़ोन थ्रू आउट द स्ट्रीम चार्ज होता रहेगा, क्योंकि हमारे जितने भी भाई लोग हैं स्ट्रीमर्स जो कि स्मार्टफोन से या मोबाइल डिवाइसेस से स्ट्रीम करते हैं, उनका जो डिवाइस है वो पीछे चार्ज होता रहता है, जिससे कि स्ट्रीम लंबी रहे। इसके अलावा दूसरी बात ये कि हम लोग जो दूसरा ऐप इस्तेमाल करेंगे स्ट्रीम करने के लिए, जिसको टेस्ट करेंगे, इन दोनों टेस्ट स्ट्रीम के बीच में हम लोग एक गैप रखेंगे अच्छा, जिससे कि बाद में जो ऐप हम लोग टेस्ट कर रहे हैं स्ट्रीम के लिए, उसको जो CPU का कोर टेम्परेचर है, जो हमारे स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है उसका टेम्परेचर नॉर्मल मिले, वो ठीक से परफॉर्म कर पाए। तो भाई लोग पहली सैंपल स्ट्रीम हमारी ऑमलेट आर्केड का यूज़ करके हम लोग लाइव जाएंगे, और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे स्ट्रीम लैब्स को। तो इसी लाइव स्ट्रीम का जो पूरा लिंक है मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। स्ट्रीम अपनी शुरू करते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग देखेंगे कि कैसे बढ़ेगा आगे। राइट नाउ एवरीथिंग सीम्स फाइन। ओके, सो अभी मेरे को सिग्निफिकेंट लैग मिल रहा है देखने के लिए, करीब 4 मिनट हो गए हैं हम लोगों को स्ट्रीम में। चार मिनट बाद ठीक ठाक अच्छा खासा लैग है मतलब, और डिवाइस भी काफी हीट हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल का खेलना अभी, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे को, पता नहीं कि रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, बट द वे आई सी इट मतलब मेरे डिवाइस पे बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है अभी। ओके, तो अगर मैं अभी आपको पूरा एक्सपीरियंस जो बता पाऊँ वो पूरी स्ट्रीम के दौरान, मेरे ख्याल से शुरुआत के 2-2.5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद अच्छा खासा लैग होना शुरू हो गया था। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे वो केवल रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्ड हुई है 1080p 60fps पे, लेकिन अगर आपको एक्चुअल स्ट्रीम देखनी है तो उसके लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो था ऑमलेट आर्केड के साथ वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा मैं सोच रहा था। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रीम लैब्स पे ये जो पूरा है स्ट्रीम जो है वो कैसी रहती है। तो भाई लोग अगली टेस्ट स्ट्रीम की शुरुआत, और ये होगी स्ट्रीम लैब्स के साथ। आप देख रहे हैं कि सब कुछ सेटअप है ऑलरेडी, और हम लोगों ने अच्छा गैप दिया है दोनों स्ट्रीम्स के बीच में, तो लाइव जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो स्ट्रीम हमारी शुरू हो गई है, हम लोग चलते हैं अपने गेम पर, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम शुरू करते हैं। ऑमलेट आर्केड के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं रहा था, देखते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आई होप कि बेहतर हो। तो मैं फ्रेम में से गायब हो जाता हूँ। ओके, शुरुआत स्मूथ है अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को। यहाँ पे भी हम लोग 1080p पे ही स्ट्रीम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। The blue team has scored for the first time.
इनिशियल इंप्रेशंस बहुत अच्छे हैं भाई लोग, काफ़ी अच्छा हेल्दी महसूस हो रहा है अभी खेलने में। जैसा इंप्रेशन मेरे को हमने टारगेट की शुरुआत मिल रहा था वैसा तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। गेम बहुत ही स्मूथ है, मतलब मैं ऑमलेट टारगेट पे बिल्कुल भी मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब सही में बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ गेम से ही, तो मतलब बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं फ़ोन से स्ट्रीम भी कर रहा हूँ। अभी मेरे को हल्का सा, बहुत हल्का सा लैग आना शुरू हो गया है, इंप्रेशन थोड़ा सा हल्का सा गेम लैग हो रहा है अभी। मतलब ऑमलेट टारगेट जितना तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी लैग मेरे को, आई एम गेटिंग द लैग। मैं भी कह सकता हूँ कि जैसा मेरे को 4.5-5 मिनट हो गए हैं अभी खेलते हुए, मेरा एक्सपीरियंस ऑमलेट टारगेट के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा सा बेहतर है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल लैग नहीं हो रहा, लैग हो रहा बेशक, लेकिन लैग उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग ऑमलेट टारगेट में तो बहुत, मतलब इम्पॉसिबल हो रहा था खेलना। ओके, तो अगर कंपैरिजन में देखा जाए यहाँ पर, तो मेरे को जो स्ट्रीम लैब्स है उसका जो पूरा जो एक्सपीरियंस है मेरा ज़्यादा बेहतर रहा एज़ कम्पेयर टू ऑमलेट टारगेट। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं वीडियो अभी। तो भाई लोग, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि 1080p पे स्ट्रीम करने पे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो स्ट्रीम लैब्स के साथ बहुत बेहतर रहा एज़ कम्पेयर टू ऑमलेट टारगेट। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चाहें तो जो दोनों स्ट्रीम्स हैं, ऑमलेट वाली स्ट्रीम और जो स्ट्रीम लैब्स वाली जो स्ट्रीम है, दोनों ही उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दोनों की लाइव स्ट्रीम का लिंक है, आप जाके वहाँ पे क्वालिटी भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो के, कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजाना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी ऐसी एक यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आएगी, आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।